आज हम नगर निगम के अधिकांश पार्षद माननीय जिलाधीश महोदय से मिले हैं। कुछ प्रमुख विषयों को लेकर के कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के हम आज मिले हैं, जिसमें सबसे पहला विषय हमारा था कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 15 करोड़ की जो सड़कें निगम को दी गई थी, उसमें निगम द्वारा अपने अधिकारियों ने अपनी मर्जी से और सड़कें का प्रस्ताव बना करके सरकार को भेज दिया। जब ऐसा जानकारी में आया तो हम सब कलेक्टर साहब से आकर मिले हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि एक बार उन प्रस्तावों को पुनः वापस सरकार से मंगा करके रिव्यू किया जाए और पार्षद जो चाह रहे हैं, जहां पर चाह रहे हैं वहां पर उन सड़कों का निर्माण हो, ताकि वो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित कर सकें। इस विषय पर हमने बात की और कलेक्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि वो कमिश्नर साहब से, हमारे आयुक्त नगर निगम से बात करके इसको रिव्यू करवाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी को लेकर के हमने, चूँकि माननीय कलेक्टर साहब खुद अध्यक्ष हैं उसके स्मार्ट सिटी के, कुछ समस्याएँ थी जिनको आज हमको साधारण सभा में सभी को उठाना था, वह आज चुकी साधारण सभा समय से पूर्व हो चुकी थी। हमने कलेक्टर साहब से उन विषयों को लेकर के चर्चा की है, जिसके अंदर कुछ प्रमुख विषय थे, जिसमें एक तो हमने ये बात तय की कि हम भी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, चूंकि नगर निगम अपने अंशदान से 100 करोड़ रुपये देने जा रहा है, तो हम सब पार्षद इस बात के लिए इतने तो अधिकार रखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बन रहे हैं, किस प्रकार से जो उन प्रोजेक्ट पर DPR पर काम हो रहा है, क्या एक्टिविटीज स्मार्ट सिटी के तहत चल रही है, ये जानकारी हम सब पार्षदों को मिले, हम लगातार उसकी गतिविधि और उसके अपडेट होते रहें। तो माननीय कलेक्टर साहब ने एश्योरेंस किया है कि चूंकि ACO हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय खुद हैं और इंजीनियर्स को उन्होंने कहा है कि मैं भेज करके आप सबके साथ एक संवाद कायम करने के लिए उनको कहूँगा, ताकि आपको प्रगति के बारे में सारी जानकारी मिल सके। इसी प्रकार से हम सब ने पार्षदों ने जो वर्तमान में अजमेर शहर की सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि कागजों में तो 48 घंटे में जलापूर्ति अजमेर शहर में दिखाई जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली 72 घंटे से पहले कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही। इस समस्या की ओर हमने कलेक्टर साहब को ध्यान आकर्षित कराया और हमने कहा कि सर आपको अधिकारी गुमराह करते हैं, वो कहते हैं कि साहब 48 घंटे की सप्लाई, लेकिन 72 घंटे से पूर्व सप्लाई नहीं हो रही। आज माननीय जिलाधीश महोदय ने हम सब की पार्षदों की बात को बहुत गंभीरता से सुना और इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं आज ही मीटिंग लेकर के इन अधिकारियों को पाबंद करूँगा कि 48 घंटे के अंदर जलापूर्ति हो। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत जो अनासागर पाथवे बनाया, उस पाथवे बनने के बाद जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पैदा हुई है कि क्षेत्रवासी जो, चूंकि वाटर टनल बनी नहीं है और नाला जो आ रहा था वो कहीं ना कहीं जाम हो गया, उस नाला जाम होने की वजह से उसमें काई हो गई, जलकुंभी हो गई, हमारे अधिकांश पार्षद इस बात से परेशान है और जलकुंभी और काई की वजह से इतनी बदबू क्षेत्र में हो रही है कि वहाँ पर सांस लेना दुर्भर हो रखा है। इस समस्या की ओर माननीय कलेक्टर साहब का ध्यान अवगत आकर्षित कराया है और उन्होंने कहा कि इस विषय को मैं दिखाऊंगा। कुल मिलाकर के एक अच्छा संवाद सभी पार्षदों का कलेक्टर महोदय के साथ रहा और कलेक्टर साहब ने इस बात की सुनिश्चितता की है कि वो अधिक से अधिक संवाद पार्षदों से कायम रख करके और स्मार्ट सिटी और अजमेर शहर के डेवलपमेंट के विषय में बात करेंगे। आज हम सभी पार्षद भाई और बहनें मिलकर यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे स्मार्ट सिटी को लेकर, और जो सड़कों का हाल है जिस तरह से और बिजली का और पानी से आम जनता त्रस्त हो रखी है, इस विषय को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष महोदय हमारे कलेक्टर साहब हैं माननीय, तो इस विषय हमने विषय रखा है जो रोड का मैटर है, जो हमको दोनों उत्तर दक्षिण में जो आधी आधी रोडें दी गई हैं 7 करोड़ की, जो 7-7 करोड़ की उसमें काफ़ी कुछ कमियाँ हैं, उसको रिन्यू कराने के लिए हम लोगों ने बोला है। उसके साथ ही जो पानी की समस्या है, JNIN हम लोगों पार्षदों को गुमराह कर देते हैं, जनता को जवाब हमको देना पड़ता है, इस विषय को लेकर भी आज विषय हमने रखा है। निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं आप लोगों का संवाद कराऊंगा JNIN वगैरह से, सभी से आज जल विभाग से मीटिंग भी लेने जा रहा हूं और उस जो आप लोगों ने कहा उस पर मैं अमल करूँगा और आपकी कार्रवाई